करनाल जीटी रोड हाईवे पर मेरठ रोड के समीप साईं मंदिर के पास गोसुरक्षा अभियान द्वारा चलाई जा रही अस्थाई गौशाला को जिला प्रशासन द्वारा जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह के आदेश अनुसार गौशाला में रह रही गायों को सेक्टर 6 फूसगढ़ गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा। इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट हवा सिंह ने बताया कि जिला उपायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हुड्डा की जमीन पर जो अवैध तरीके से गौशाला चलाई जा रही है उसको वहां से हटाया जाए और गायों को सुरक्षित गौशाला में शिफ्ट किया जाए, जिसके चलते आज यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई बड़ी शांतिपूर्वक की जा रही है। गौ सुरक्षा अभियानों के सदस्यों द्वारा भी गायों को शिफ्ट करने में सहायता की जा रही है। वहीं सिटी थाना इंचार्ज हरजिंदर सिंह ने बताया कि शांतिपूर्वक तरीके से कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए थे कि यहां से गौशाला को शिफ्ट किया जाए, जिसके चलते शरारती तत्वों से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा पुख्ता की गई है। मौके पर सुरक्षा बल मौजूद है और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से कार्रवाई की गई है। पिछले 6 महीने से हम सड़कों पे जो लावारिस गाय थी बेहाल हालत में जो एक्सीडेंटल पॉइंट्सों से उठा के, जबकि उस समय पे किसी भी गौशाला के पास जगह नहीं थी, पर हमने यहाँ पे कुछ लोग और भी रेता बजरी का धंधा कर रहे थे बैठ के, हमने सोचा हम यहाँ पे सेवा कर लेंगे, पर शायद प्रशासन को और जो लोग यहाँ पे धंधा कर रहे थे उनको बात हजम नहीं हुई, तो अजीब अजीब तरह की अफवाहें फैला के आज आप देख सकते हैं गाँव गायों को बेघर कर दिया। तो क्या नाम रखा है आपने संस्था का? गऊ सुरक्षा अभियान के नाम से हमारी टीम है जो इन गायों की सेवा कर रही थी, जो एक्सीडेंटल पॉइंटों से जहाँ जहाँ हमें लगता था कि यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है कल, वहाँ से हम गायों उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं। तो क्या कहता है प्रशासन? क्या कहता है प्रशासन? कहता है कि आप इस जगह पे गायों की सेवा नहीं कर सकते हो, ये हुड्डा की प्रॉपर्टी है, आप अनलीगल कर रहे हो। मानते हम अनलीगल है, पर जो आज सड़कों पे गायें एक्सीडेंटों में मर रही, क्या वो लीगल है? तो आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? सर मांग क्या करनी थी हमारी, तो मांग को तो ठुकरा दिया गया, हमें तो टाइम तक भी नहीं दिया गया। अभी हमें टाइम दिया जाता हम कहीं और बंदोबस्त करते। अब जिस गौशाला में पहले गायें किसी में जगह नहीं है, उनमें धक्के से इनको ठूसा जा रहा, कल क्या हालत होगी आप लोग देख सकते हैं। क्या नाम आपकी समिति का? गौ सुरक्षा अभियान। और आप क्या है उसके? सर मैं तो कुछ नहीं हूँ, सभी मिलजुल के हम, कोई इसमें कोई ये नहीं था, कोई प्रधान है कोई सचिव है, सब मिलजुल। कितने लोगों की संस्था है? कितने लोगों? हम लोग इसमें करीबन 35 से 40 जो मेन कार्यकर्ता जो इसमें। क्या बताना चाहेंगे जी, क्या कार्रवाई जो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो अपनी कार्रवाई के बारे में बताएंगे। हाँ जी, उपायुक्त महोदय ने आदेश दिए हैं, ये हुड्डा डिपार्टमेंट की जमीन थी, उन पर इन्हें गौशाला बनाए रखी है, हुड्डा डिपार्टमेंट आए थे वो कब्जा ले रहे हैं, खाली करवाया दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर। अब इसको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? तो डिपार्टमेंट वाले बताओ। ये कितने दिन से बनी हुई थी जी? पता नहीं। तो बड़ी देर बाद जागा प्रशासन, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो उड़ा प्रशासन ने आज क्या कार्रवाई की जा रही है? आज तो खाली कराने के आदेश है, खाली करवा। हाँ, एक हुड्डा की चेन में गौशाला थी, इसके लिए पहले कई बार ऑर्डर हुए हैं जो कि ने ब्लॉक में मैसेज दिया गया था, जो कि आज उपायुक्त महोदय के ऑर्डर के अनुसार यहाँ से गौशाला को शिफ्ट किया गया है। सभी अपना हुड्डा द्वारा और नगर पालिका द्वारा अपनी गाड़ियों में निकल ले जाके अपना फूसगढ़ गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है, इसको जगह खाली करवाया जा रहा है। यहाँ किसी प्रॉब्लम के लिए कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है और इन ये भी साथ लगे हुए हैं, बल्कि गौशाला वाले साथ देकर सेवा कर रहे हैं सारे और बड़े अच्छे तरीके से इनको ले जाते हैं। प्रशासन दबाव था सर इसको गौशाला को? किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं है, ये एक ऑर्डर थे और ये जमीन हुड्डा की जमीन थी, जमीन को खाली करने के आदेश थे जो कि यहाँ है। तो काफ़ी देर बाद जाकर हुड्डा विभाग में? 5-6 महीने की बात है, बट उससे पहले इनको कई बार मैसेज आया, इनको दिया भी ऑर्डर भी दिया, बताया गया इनको बोला गया, जबकि ये नहीं हुए तो आज फिर ऑर्डर दबा दिया। कब्जे की आशंका थी कुछ? देखो ये ऐसे ही उनको पता होगा, ऑर्डर था हमें तो आज पुलिस हेल्प के लिए मैसेज था, हमने पुलिस हेल्प देखी इनको, जो भी काम था कार को जिसमें नायब तहसीलदार आज इनके ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, जो ये कार्य जिनके ऑर्डर है उन्होंने पुलिस।